हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करवाने वाले हैं बुलेट पे लेमिनेशन। पहले मैं इसकी इस लेमिनेशन को उतार रहा हूँ जो पहले थी। इसको उतारने के बाद नई लेमिनेशन करवाएंगे इस पे, इंजन भी बफिंग करवाएंगे इसका और अलॉय व्हील भी लगवाएंगे। आज की वीडियो में तो मैं आपको लेमिनेशन उतारते हुए दिखाऊँगा और बफिंग करते हुए दिखाऊँगा बुलेट को। इसके बाद अलॉय वगैरह लगवाएंगे। लेमिनेशन को मैंने उतार दिया है, अभी इसको टंकी को साफ करेंगे। टंकी को सर्फ के पानी से या शैम्पू के पानी से साफ करेंगे और जो निशान बचेंगे उसको तेल के साथ मिटा देंगे। फाइनली टंकी को साफ कर लिया है, इस पे लेमिनेशन कर देंगे इसके बाद और बुलेट की बफिंग स्टार्ट करेंगे लेमिनेशन करने के बाद। पहले टंकी पे करेंगे, बाकी बुलेट पे फिर बाद में करेंगे। जो इसके अगले और पिछले मड गार्ड है उन पे रस्ट वाली कोटिंग करेंगे जिससे कोई भी रस्ट ना आए बुलेट पे। पहले अच्छे से साफ करने देखते हैं, उसके बाद इस पे बफिंग का काम शुरू करेंगे एक बार बस टंकी को लेमिनेशन करने के बाद। अच्छे से टंकी को लेमिनेशन करने देखते हैं। पहले टंकी के लेमिनेशन की पूरी वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे कुछ काम है तो मैं बुलेट के पास नहीं होऊंगा। तो इस वजह से टंकी को देखो आप कितने अच्छे से साफ कर रहे हैं भैया, मतलब बिल्कुल चमकाएंगे इसको लेमिनेशन से पहले, ताकि लेमिनेशन में भी अच्छी साइन आए। और बुलेट को लेमिनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लैक कलर है इसका और जल्दी स्क्रैच आ जाते हैं बुलेट पे, और पेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा लेमिनेशन करवाने से। एक लेमिनेशन की लाइफ 2 साल तक होती है मैक्सिमम, क्योंकि अगर 1-1.5 साल से ऊपर लेमिनेशन को चलाएंगे तो पेंट के साथ स्टिक हो सकती है, इस वजह से कम लाइफ होती है। लेमिनेशन टंकी पे कर दिया इन्होंने, अब बफिंग कर रहे हैं। पहले बुलेट से सोकर को बफिंग करेंगे, फिर इंजन वगैरह को। मैं पूरी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बस ये दिखाऊंगा जैसे मशीन से बफिंग कर रहे हैं अभी इसकी। फिर इंजन पे जो इनका बफिंग वाला पाउडर होता है उसके साथ साफ कर देंगे क्लीन करने के बाद। ये देखो आप यहाँ से इंजन बफिंग कर दिया है, आगे से करते हैं अभी। और पूरा सिलेंस बैंड पाइप सीट और टंकी सब कुछ खोल दिया है बुलेट का, ताकि अच्छे से बफिंग हो जाए हर एक चीज़ पे। इंजन बुलेट का जैसे पानी के निशान वगैरह रह जाते हैं उस पे तो जल्दी ख़राब हो जाता है, इस वजह से बफिंग ज़रूरी है उस पे। और बफिंग करने से साइन अच्छी आती है बुलेट पे, दूर से ही दिखता है। बफिंग तो हो गया, अभी इसके सिलेंस और बैंड पाइप पे मारेंगे जिससे जो रस्ट वगैरह है उन पे थोड़ा बहुत वो भी निकल जाएगा। और जो ये इंजन है इसको तेल से अभी साफ कर देंगे पेट्रोल से, उसके बाद इसमें भी अच्छी चमक आएगी। अभी किक को साफ कर दें, फिर किक को लगा लगू के सब कुछ अच्छे से पैक कर देंगे। ये लगा दी किक, अब पूरे इंजन को साफ करेंगे एक बार जिससे साइन अच्छी आए और जो ये पाउडर वगैरह लगा हुआ है ये साफ हो जाए। ये सब करने के बाद इसको वॉश भी कर देंगे। अलॉय वाली वीडियो इससे अगली आएगी, उस वीडियो में बुलेट के फाइनल लुक दिखाएंगे आपको और अलॉय लगाते हुए दिखाएंगे। इस वीडियो में बस बफिंग और लेमिनेशन का ही दिखेगा आपको और नहीं दिखेगा। साइन देखो आप इंजन की कितनी ज़्यादा आई हुई है। बफिंग पूरी होने के बाद यानी वॉश करने के बाद बुलेट को और अलॉय के साथ ये चमक और ज़्यादा आएगी जिससे बुलेट और अच्छा लगेगा। अभी जो बैंड पाइप लगाने के लिए इसका ये जो सील होती है हेड में उसको बदलेंगे, क्योंकि हर बार नई लगानी होती है, वो पहले वाली नहीं यूज कर सकते, नहीं तो आवाज़ लीक करेगा आगे से। इस साइड भी साइन देखो आप, बिल्कुल मिरर जैसा हो गया इंजन।
पहले बहुत ज़्यादा दाग थे इस पे, अभी साफ हुआ बिल्कुल। पहले की भी कोई वीडियो मिलेगी तो मैं लगा दूंगा अगले वीडियो में, अलॉय वाली में साथ में सलेंसर पे भी लगा देंगे। अब ये जो है इनका लिक्विड सा सलेंसर पे जो रस्ट है वो साफ हो जाएगा, क्योंकि ये रेप्लिका सलेंसर है, इस पे रस्ट जल्दी आ जाता है, तो इसको भी साफ कर लेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं करूँगा मैं, बस इतना सलेंसर पे ये लगाने तक की करेंगे, क्योंकि ये फाइनल लुक दिखाएंगे आपको अगले वीडियो में, जिसमें अलॉय भी लगेंगे बुलेट में और बफिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, लेमिनेशन भी हो जाएगी। एक इस पे कोटिंग करवाएंगे जिससे रस्ट ना लगे, उसकी भी वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि वो रात को करेंगे ये दुकान पे, तो मैं रात को नहीं बना पाऊँगा वीडियो यहाँ पे आके। इस पे ये करने के बाद बस फिर बुलेट को पैक। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में दिखाएंगे लोए।